हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राण नॉलेज पर मोस्ट वेलकम। आइए आज मैं आपको रुहेला को कैसे ग्रो करें ये बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारा रुहेला के ट्री हैं, मैं ले आया हूं अपने ग्राउंड से उखाड़कर, और मैंने इसमें मिट्टी ले ली है जो सिर्फ मिट्टी है, ना इसके अंदर खाद है ना कोई रेत है, सिर्फ अकेली मिट्टी है। इसे सिर्फ मिट्टी ही चाहिए और पानी की मात्रा इसमें डेली 2 बार डालेंगे तो उतना ही अच्छा होगा आपका पेड़। और ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे सिर्फ पानी पानी चाहिए और कुछ नहीं। जितना भी आप इसमें पानी ऐड करेंगे उतना ही अच्छा आपका रुहेला का प्लांट होगा। और आइए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको लगाना बताऊंगा। जो ये जड़े हैं इन्हें ऐसे थोड़ा सा चौड़ा कर लें ऐसे, और फिर मैं इसमें मिट्टी ऐड कर रहा हूँ और भी, जिससे हमारा ट्री आराम से खड़ा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें और ये खुद ही बेबी प्लांट्स अपने चारों ओर से निकालता रहता है। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये देखिए, मैंने सिर्फ एक ही लगाया था ये अपने ग्राउंड में, और अब लगभग 100 से ज्यादा हो रहे हैं। और मैं इसमें थोड़ी सी बजरी भी ऐड कर रहा हूं। इसकी कटिंग करते रहें, ये 2 से 3 फुट के बीच में होता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 2 से 3 फुट के बीच में होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये छोटा सा प्लांट। और ये समर का प्लांट है, इसमें समर में जितनी गर्मी पड़ेगी उतने ही इस पे फ्लावर्स आएंगे। ये देखिए, मैंने इसकी ये आपको दिख रही होंगी, ये फ्लावर सूख गए थे यानी कि मर गए थे, इन्हें मैंने रिमूव नहीं की थी। आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कितने इस पे प्लांट फ्लावर्स आते हैं। देखिएगा, आपको दिख रहे होंगे एक पे से लगभग 5-5, 6-6 आते हैं। और मैं अब आपके सामने इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये हो गई और एक है ये, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्लांट है, आप भी इसे लगा सकते हैं। और गर्मी में बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं इस पे पर्पल कलर के। और ये देसी रुहेला है फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।